दामाद जी, माँ की हालत कैसी है? अभी भी उसी हालत में है। दुर्गा नहीं आई? घर पे गया तो पता चला मंदिर गई है। वैसे आते ही श्रुति संगीता उसे लेकर आ जाएंगे यहाँ। झूठ क्यों बोल रहे हो गणेश? उसे मेरी माँ से नहीं मिलना है, ये बात क्यों छुपा रहे हो? शादी हुए 5 साल हो गए पर मैंने उसे जल्दी उठते देखा नहीं, और तुम बोल रहे हो कि वो मंदिर गई है। मुझसे झूठ बोल रहे हो? उसे छोड़ो, पूजा बेटी कहाँ है? मेरी माँ अपनी पोती से मिलने के लिए बेचैन है। इस खामोशी का क्या मतलब है? दुर्गा की सारी हरकतें मैं और मेरी माँ सालों से सहते आए हैं। अगर कल को मेरी माँ को कुछ हो गया तो दुर्गा मेरी माँ को ला पाएगी? गुस्सा मत होइए जीजा जी, उसे यहाँ तक लेके आने की जिम्मेवारी मेरी है। दामाद जी, आप गलत मत मानिए, दुर्गा पूजा को लेकर माँ जी से मिलने जल्द ही आएगी। हाँ? सर, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। ओए, देखा तुमने दामाद जी को कितना गुस्सा आया, पूरा अपनी माँ के ऊपर गए हैं। माँ, जीजा जी पहले से ही टेंशन में है, अगर उनकी माँ को कुछ हो गया तो क्या करेंगे बताइए। इस समय आप दुर्गा के सपोर्ट में कुछ मत बोलिए। अच्छा, दुर्गा को ढूंढने के लिए मैं पापा को भेजता हूँ, आप आंटी के साथ रहना चाहिए। दुर्गा आ गई क्या? 2 घंटे पहले गई थी, अब तक नहीं आई, कहाँ गई कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, अगर ये नहीं आई और बच्ची को बिना देखे आंटी को कुछ हो गया तो दोनों के बीच के फासले बढ़ जाएंगे, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे आ गई तुम, चलो चलते हैं। निकलना है, कहाँ जाना है? तुम्हारी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें पूजा बेटी को देखना है। कहाँ गई थी तुम? बाजू वाले ब्यूटी पार्लर गई थी मैं, बोल के नहीं जा सकती थी। किसको बोल के जाऊँ और क्यों बोल के जाऊँ? बाहर जाने के लिए मैं तुम सबसे परमिशन मांगू क्या? क्या बक रही हो, इसमें गुस्सा क्यों हो रही है? अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसे घर में किसी को तो बोल के जाना चाहिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, पर इस घर में ये जरूरी है। आजकल ये बहुत ज्यादा बोलने लगी है। दुर्गा थोड़ा शांत रहो प्लीज, और इसे लेकर जाओ। जाओ अकेले नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। क्या दुर्गा, इसको पहले से जुकाम है, ऐसी हालत में हॉस्पिटल जाएगी इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम्हारी सासू माँ को अपनी पोती से मिलना है। तुम अपना मुंह बंद रखो, पूजा को कुछ हो गया तो देखभाल कौन करेगा? दुर्गा हालात को समझो, वो अपनी पोती को देखना चाहती है। दुर्गा ये समय में इन्फेक्शन के बारे में कैसे सोच सकती हो? अगर कुछ गलत हो गया ना तो जीजा कभी माफ नहीं करेंगे। तुम जरा सोचो गणेश, मैं हॉस्पिटल चली भी गई ना तो भी वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? दुर्गा प्लीज वो सब मत सोचो, गुस्सा होने का वक्त नहीं है ये, जीजा जी को मैं समझा लूंगा, ठीक है? श्रुति, विभूति और कुमकुम को 2 अलग पैकेट में बांध लो। क्यों भैया? जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। अच्छा ठीक है। माँ कहाँ गई? माँ जी टिफिन लेने के लिए घर तक गई हैं। वो जल्दी आ जाएंगी। माँ तुम्हारी पोती आई है, आंखें खोलो। पूजा। श्रुति सुबह सुबह मंदिर चली गई थी, माँ के बारे में जैसे पता चला वो वापस आ गई। माँ की सेहत के लिए बहुत देर तक वो मंदिर में प्रार्थना करती रही। जीजा जी लाइए इसको, मुझे दे दीजिए, लाइए आ जाओ। इतनी देर तुम मंदिर में थी? सॉरी, तुम्हें समझने में गलती हो गई। सुना आपने, दुर्गा आपकी सलामती के लिए मंदिर में पूजा करने गई थी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी माँ। बस जाओ ना कृष्णा, मेरे दिल में बसो, प्यासी मैं हूँ मेरे दिल की बात सुनो। बस जाओ ना कृष्णा, मेरे दिल की बात सुनो। बस जाओ कृष्णा, मेरे दिल की बात सुनो। प्यासी हूँ मैं, मेरे दिल की बात सुनो। पापा। हाँ? मुझे एक छोटा सा डाउट है। पूछो बेटा। आपको म्यूजिक और डांस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपके बेटे को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं है? मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, वो अपनी माँ के ऊपर ही गया है, उसकी माँ को भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे खाना पकाकर देने के बाद
वो पूरे घर की साफ सफाई ही किया करती थी। इन चार दीवारों के बीच उसकी जिंदगी कट गई। मुझे हमेशा खुश रखा, कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दिया। बेटी, मूर्ति हमेशा तुम्हें खुश रखता है ना, तो अब क्या हो गया? नहीं पापा, मैं खुशी की बात नहीं कर रही हूं। देखो बेटा, समय बदल रहा है, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। गंगा, ये लो तुम्हारी कॉफी। पापा आपको कॉफी पसंद नहीं है, इसलिए ये लीजिए चाय। ओके। ये कॉफी आपने बनाई है? सिर्फ कॉफी नहीं है, नाश्ता भी तैयार है, बस 10 मिनट रुको, सब रेडी हो जाएगा। ये सब काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा हूँ? खाना बनाना आसान है क्या? होटल ओनर की बेटी हो तुम, ये बात याद रखना। मेरी माँ विरासत के नाम पे यही छोड़ के गई है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पापा को मैंने ही खाना बना के खिलाया। अगर तुमको कोई शक है तो पापा से पूछ के देख लो। हाँ बेटा, ये भी अपनी माँ के जैसा ही खाना बनाता है। मेरे टेस्ट के हिसाब से अच्छा पकाने वाली, खाना बना के देने वाली से शादी करने का बहुत मन किया, लेकिन पापा उनके टेस्ट के हिसाब से तुम्हें ले आए। पापा की वजह से ही आज तक मैं जिंदा हूँ। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन अभी तक मुझे दादा नहीं बनाया। सॉरी बेटी। कुछ नहीं पापा, ये सब सुनती हूँ तो बस अच्छा नहीं लगता। अपने कला के माध्यम से हजारों लोगों को खुश करने वाली खुद इस दुनिया में बिल्कुल खुश नहीं। और एक लीजिए ना। नहीं नहीं, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम भूल गई क्या? ये क्या है, सब्जी परोसने के बाद तुम अब आई हो क्या? इसमें नमक और मिर्ची इतनी कम क्यों है? इतना फीका खाना मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारे घर वालों की जीभ मर गई है क्या? लहसुन प्याज तक नहीं डाला। आज अमावस्या है, व्रत का दिन है। हाँ, वो मुझे पता है कि आज व्रत का दिन है। हमारी बच्ची दिव्या तो खा सकती है ना? दिव्या के लिए अलग से बना रखा है। छोटा मुंह बड़ी बात, हमेशा गुस्सा करती। कामाक्षी, फूलमाला बना रही हो? ब्रोकर को साथ ले आया हूँ। नमस्कार। क्या हुआ? अंदर आओ बैठते हैं। अंदर बड़े दामाद बैठे हैं। मैंने सोचा मैं उन्हें खुद बुलाऊं, लेकिन अच्छा हुआ आ गए। चलो आओ, आओ। कैसे दामाद जी? अरे आप क्या बोल रहे हो, दामाद जी तो पहले से ही अंदर है। दामाद जी कहीं भी हो, उनका स्वागत करना हमारे घर की परंपरा है। हम लोग ऐसे ही आदर देते हैं इन्हें। ये सब इनको नहीं पता होगा, क्या बात है बोलिए। वो तारागर के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, भाई बहन जैसी जोड़ी है। गणेश और संगीता के लिए सही रहेगा। हाँ, उनकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग ही चाहिए उनको, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारी क्या राय है। वो सब तो ठीक है, कुंडली नहीं देखनी है? लड़की को दिखाने के टाइम पे कुंडली कौन दिखाता है, वो सब जरूरी नहीं है। ओहो, लड़के ने कहाँ तक पढ़ाई की है? लड़का MBA खत्म करके अच्छी सी नौकरी करता है, उसकी बहन भी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, डिग्री होल्डर है दोनों। सुनिए जी, संगीता के लिए ये सही रहेगा, लेकिन गणेश। क्यों, गणेश में क्या कमी है? बात ये है कि पढ़ाई लिखाई तो उसने की है, पर नौकरी तो कभी की नहीं, बस होटल संभालता है वो। होटल वालों से रिश्ता जोड़ने में बहुतों को तकलीफ है। नहीं 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 नहीं, उस फैमिली को कोई तकलीफ नहीं, बल्कि खुश हैं वो लोग। ठीक है तो मैं निकलता हूँ। क्या हुआ दामाद जी, आपकी राय सुने बिना हम कैसे आगे बढ़े? गणेश और संगीता तो आपके बच्चे है ना, तो आप मुझसे राय क्यों पूछ रही है? आप घर के रिश्ते के लिए किसी तीसरे से क्यों पूछ रही है? आपको जो भी करना करिए, तू यहाँ क्यों नाच रही है? चल चल। दामाद जी गुस्सा क्यों हो गए? वो सब छोड़ो, तुम्हें कोई जरूरी काम था ना, वो खत्म करो, कल मिलता हूँ, जाओ। नमस्ते। हाँ, इतने गुस्से में चले गए वो? मैं भी तो आप ही के साथ खड़ी हूँ ना, मुझे क्या पता, हमने तो उन्हें कुछ नहीं बोला था ना। मम्मी, ये मेरी जिंदगी है, पहले मैं पसंद कर लूं, और एक ही परिवार में दोनों की शादी हो जाए तो बेहतर है। और वैसे भी ऐसा करने से मैं गणेश भैया के नजदीक रहूंगी। और आप अपने दामाद जी से बोलिए कि वो बीच में ना आए। सुनिए जी, मैं लक्ष्मी के घर जाके आती हूँ।